वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 130 तक। हम अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री का एमएसबीटी डिप्लोमा का सिविल मैकेनिकल ब्रांच के लिए सेमेस्टर 2 का जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर 10 सेकंड देने वाला हूँ। उससे पहले आपको आपका आंसर डिसाइड करना है और 10 सेकंड के बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि 10 में से कितने आपके आंसर सही आए हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 121, द कॉन्सेंट्रेटेड और हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर होता है तो उसको अगर हम प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो हवा के प्रेजेंस में अगर हम क्या करते हैं हीट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है रोस्टिंग, ऑप्शन बी है कैल्सिनेशन, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस और ऑप्शन डी हाइड्रेशन। तो दोस्तों आपके पास है 10 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो ओर को हीट करने की प्रोसेस है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करने की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो ऑप्शन ए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑप्शन बी इन द अब्सेंस ऑफ एयर, ऑप्शन सी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑप्शन डी इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो आपके पास ये 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 123, द सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट इज। तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट के लिए जो सेटिंग टाइम होता है वो कितने दिनों का होता है। तो ऑप्शन ए है 2 डेज, ऑप्शन बी 1 डे, ऑप्शन सी 7 डेज और ऑप्शन डी है 28 डेज। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 डे। क्वेश्चन नंबर 124, द सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट इज। तो एल्यूमिनोफेराइट ट्राइकैल्शियम के लिए कितना टाइम लगता है सेटिंग के लिए। तो ऑप्शन ए है 1 डे, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 28 डेज और ऑप्शन डी 40 डेज। तो आपके पास ये 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, द सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर डी कैल्शियम सिलिकेट इज। तो डी कैल्शियम सिलिकेट के लिए सेटिंग टाइम कितना लगता है। तो ऑप्शन ए है 1 डे, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 28 डेज और ऑप्शन डी 40 डेज। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 डेज। क्वेश्चन नंबर 126, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। दोस्तों जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसको हम एक पतली वायर में करने के लिए
करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मैलेबिलिटी, ऑप्शन बी कास्टेबिलिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी और ऑप्शन डी हार्डनेस। तो आपके पास ये 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 127। द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली इज कॉल्ड। तो मेटल से जो हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ओर, ऑप्शन बी स्लैग, ऑप्शन सी फ्लक्स, ऑप्शन डी गैंग्यू। तो आपके पास है 10 सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और। क्वेश्चन नंबर 128। सिलेक्ट द प्रॉपर रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्रॉपर रिएक्शन क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए है स्लैग प्लस गैंग्यू इम्प्लाइज फ्लक्स, ऑप्शन बी फ्लक्स प्लस गैंग्यू इम्प्लाइज स्लैग, ऑप्शन सी फ्लक्स प्लस स्लैग इम्प्लाइज गैंग्यू और ऑप्शन डी है गैंग्यू प्लस मैट्रिक्स इम्प्लाइज स्लैग। तो आपके पास है 10 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लक्स प्लस गैंग्यू इम्प्लाइज स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली इज कॉल्ड। तो मेटल से जो मिनरल्स होते हैं आसानी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है ओर, ऑप्शन बी गैंग्यू, ऑप्शन सी फ्लक्स, ऑप्शन डी स्लैग। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और। अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। द प्रोसेस यूज टू रिमूव मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर इज कॉल्ड। तो मेटल से जो मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज हम रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिज्म, ऑप्शन बी मैग्नेटिक सेपरेशन, ऑप्शन सी कैल्सिनेशन और ऑप्शन डी फ्रोथ फ्लोटेशन। तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक सेपरेशन। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने आपके एमसीक्यू सही आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 135 तक, क्योंकि हमारे अभी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बचे इस चैप्टर के। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।